कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड दी एप नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी कल मैं क्लास नहीं ले पाया। एक्चुअली हमारे यहाँ मौसम चल रहा है खराब, उसकी वजह से क्लास हो नहीं पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट में ओके लिख के बताएंगे और क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये MSN की मास्टर क्लास का डेमो क्लास है। जिस किसी को भी MSN की मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, जो हम ब्रूनर से पूरा MSN पढ़ने वाले हैं, MSN फर्स्ट, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या भूषण साइंस प्लस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं भूषण साइंस प्लस की ऐप को। करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ इलनेस की। करेक्ट, हमने टाइप्स ऑफ इलनेस देख लिया था, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस और टर्मिनल इलनेस। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है फाइव स्टेजेस इलनेस की आती है। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, कितनी स्टेज आती है, पांच, स्टेज फोर और स्टेज फाइव। देयर आर फाइव स्टेजेस, याद रखना है आपको, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन के आता है। करेक्ट, ये फाइव स्टेजेस है। अब यहां पर जो है आप ध्यान रखेंगे कि हर एक स्टेज जो है वो धीरे 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 एडवांस होते जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेज वन, स्टेज वन को हम क्या कहते हैं कि इसमें जो है सिम्टम्स जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करने लगता है। करेक्ट, सिम्टम्स क्या होने लगते हैं, एक्सपीरियंस होने लगते हैं। इसके बाद स्टेज टू में मतलब सिक रोल एजम्पशन होने लगता है ना, सिक रोल एजम्पशन, कि अब जो है पेशेंट मानने लगता है कि मैं जो है बीमार हो गया हूं, है ना। पहले तो सिर्फ सिम्टम अपीयर होते हैं और उसके बाद जो है पेशेंट ये मानने लगता है कि अब मैं बीमार होने लगा हूं स्टेज टू में। स्टेज थ्री में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, मतलब कि मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। करेक्ट, देन उसके बाद जो है स्टेज फोर जो आती है वो है डिपेंडेंट रोल। स्टेज फोर क्या आती है, डिपेंडेंट रोल। करेक्ट, और स्टेज फाइव क्या आती है, स्टेज ऑफ रिकवरी, स्टेज ऑफ रिकवरी। करेक्ट, ये पांच जो है स्टेजेस है इलनेस की, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अपन। फटाफट आप लोगों को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार फटाफट आप लोग शेयर करें, ताकि हम लोग जो है हमारी जो MSN की डेमो क्लास चल रही है उसको हम लोग कंटिन्यू कर पाए। करेक्ट, ठीक है, फटाफट आप लोग शेयर करेंगे। ये देखिए यहां से हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज वन सिम्टम एक्सपीरियंस की। तो इसमें जो है पेशेंट सिम्टम को एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, इलनेस का ये पहला स्टेज है। करेक्ट, इसमें पेशेंट क्या करता है, वो पेन को फील करता है। पेन को क्या करता है, वो पेन को क्या करता है, फील करता है। करेक्ट, उसके बाद जो है उसको अनयूजुअल फीलिंग आती है, अनयूजुअल फीलिंग आती है। अनयूजुअल फीलिंग के बाद जो है पेशेंट थोड़ा सा डर जाता है, एक्सपीरियंस फियर, एक्सपीरियंस फियर। करेक्ट, जैसे हमें जो है थोड़ा सा छाती में दर्द हो गया, चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो गया, तो हम क्या सोचते, अरे कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो हम जो है थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये इलनेस का पहला स्टेज हुआ है।
करेक्ट, इलनेस का पहला स्टेज हुआ है। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग, करेक्ट। देन उसके बाद स्टेज टू, जिसमें कि सीक रोल एजम्पशन मान आ जाता है, मतलब कि पेशेंट जो है ये मानने लगता है कि मैं जो है अब बीमार होने लगा हूं, मुझ में अब इलनेस जो है वो डेवलप होने लगी है, करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है कि जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं, रेमेडियल मेजर्स फेल, मतलब कि जो भी पैतरे आजमा सकते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है तो बाम लगा लो, तो मेडिसिन खा लो, तो दर्द की दवाई खा लो, तो पेन किलर कुछ भी कर लो, अब रेमेडियल जो है वो फेल होने लगे हैं और पेन से रिलीव नहीं मिल रहा है। गुड इवनिंग निखिल स्वामी, है ना। अब इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट करने लगा है, इंडिविजुअल एक्सेप्ट इलनेस, करेक्ट। इंडिविजुअल ये मानने लगा है कि मैं अब इल हो रहा हूं, मैं अब बीमार होने लगा हूं, करेक्ट। ये स्टेज टू में होता है। स्टेज टू में अटेम्प्ट टू गेट रेस्ट, अब पेशेंट क्या करता है, आराम करने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि जिस बीमारी से उसके सिम्टम मिले हैं वो बीमारी से वो रिकवर हो जाए, करेक्ट। देन उसके बाद आती है स्टेज थ्री, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। स्टेज थ्री कौन सी आती है, मेडिकल, थैंक यू राजा, अच्छा राजा भी आए हैं क्या, ओके। मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि स्टेज थ्री में क्या होगा, डॉक्टर के पास जाया जाएगा, करेक्ट, है ना। तो अप्रोचेस मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, दो कारणों से, ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए। तो अप्रोचेस मेडिकल प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, करेक्ट, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के लिए, करेक्ट। अब इसके बाद जो है स्टेज फोर, स्टेज फोर में क्या आ रहा है, डिपेंडेंट रोल। स्टेज फोर में क्या आ रहा है, डिपेंडेंट रोल। अब जो है पेशेंट को अब डिपेंडेंसी डेवलप होने लगी है, पेशेंट को अब जो है क्या होने लगा है, जरूरत महसूस होने लगी है, उसको टॉयलेट जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, उसको बेड पर जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, उसको मूव करने के लिए किसी सहारे की जरूरत है ना। मतलब अब क्या हो रहा है, गुड इवनिंग राहुल, अब क्या हो रहा है, उसकी डिपेंडेंसी डेवलप हो रही है, करेक्ट। देखिए 36 स्टूडेंट लाइव है और सिर्फ 30 लाइक्स है, करेक्ट, ये बहुत गलत बात है। तो डिपेंडेंट रोल मतलब कि नीड असिस्टेंस, पेशेंट को अब जरूरत महसूस हो रही है, किस किस के लिए, टॉयलेट के लिए, बेड के लिए, मोबिलिटी के लिए, मतलब चलने के लिए, सभी के लिए उसको असिस्टेंस की जरूरत है। और लास्ट में है स्टेज ऑफ रिकवरी, करेक्ट। तो इसमें तो नॉर्मल सा हो जाएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम, इसमें क्या होने लगेगा, रिजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स एंड रिकवरिंग द और रिज्यूम द नॉर्मल हेल्थ। नोटिस क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, एंड प्रियंका साहा क्या बोल रहे हो, रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज, करेक्ट। ये हो गई हमारी क्या, स्टेजेस ऑफ इलनेस। पांच स्टेजेस होती है इलनेस की, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर और स्टेज फाइव। पांचों स्टेप जो है आप देखेंगे कि धीरे 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 सीवियरिटी जो है बढ़ने लगी है और पांचवी स्टेप जो है वो रिकवरी की है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले स्टेज में सिम्टम आ रहे हैं, पेशेंट को दर्द फील होगा, अनयूजुअल फीलिंग होगी और उसको थोड़ा सा डर महसूस होने लगेगा, करेक्ट।
देन स्टेज टू सीक रोल असम्पशन, पेशेंट को अब ये फील होने लगा है कि मैं बीमार हो रहा हूं, मैं अब क्या हो रहा हूं, बीमार हो रहा हूं, और जितने भी पैदरे वो आजमा सकता था कि सेकाई कर दो, बाम लगा दो, और ये नजर उतार दो, और ये सब दवाई खा लो, पेंती है, सब पैदरे जो है फेल हो चुके हैं, और अब जो है पेशेंट जो है आराम करने का ट्राई करता है, ये जो है स्टेज टू है, करेक्ट। देन उसके बाद स्टेज थ्री, स्टेज थ्री में डॉक्टर पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने लगता है। मनीष प्रजापति, ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, करेक्ट, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, एमएसएन फर्स्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद जो है स्टेज फोर, जिसमें पेशेंट जो है डिपेंडेंट हो जाता है किसी और के ऊपर, टॉयलेट जाने के लिए, बेड पे जाने के लिए, या इवन मूवमेंट करने के लिए भी। और पांचवी स्टेज जो है स्टेज ऑफ रिकवरी, इसमें पेशेंट जो है ये अपनी नॉर्मल हेल्थ को गेन कर लेता है, करेक्ट। ये हो गई बात किसकी, स्टेजेस ऑफ इलनेस की, किसकी बात हो गई, स्टेजेस ऑफ इलनेस। इसमें कोई डाउट होगा तो डाउट लिखिए, नहीं तो फिर पूरा समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिखिएगा स्टेज, क्या लिखिएगा कमेंट में, स्टेजेस, स्टेज या स्टेजेस लिखिए कमेंट में, अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो फटाफट। और एक बार ये जो 39 का काउंट है इसको 50 पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए, 50 क्रॉस करना है अगले 5 मिनट के अंदर, करेक्ट, आपके शेयर करने से। बाकी बच्चे भी मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं, करेक्ट। चलिए फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया सविता, स्नेहा, मधुमलिश, ये फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, हाँ मधुबाला, ठीक है। अब अपन एक छोटी सी हेडिंग है जिसको अमरेश पांडे, ओके समझ में आ गया है, एक छोटी सी हेडिंग है जिसको हम बोलते हैं कॉजेशन ऑफ डिसीज। अब देखिए यहां पे है तो ये एक लाइन का, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको आपके नर्सिंग सेक्टर में काम आएगा, करेक्ट। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि किसी भी डिसीज का कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है। अब अगर आप किसी भी डिसीज के कॉज को प्रॉपरली अगर समझ गए या आपने उसको ढूंढ के निकाल लिया तो आपको ट्रीटमेंट करने में भारी आसानी है, आपका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, सर्च फॉर द कॉज ऑफ डिसीज, है ना, डिसीज के कॉज की सर्च कीजिए कि ये बीमारी हुई क्यों है। एज यू आर अ नर्स यू हैव टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ डिसीज, ये आदत में डाल लीजिए। और ये जो हेल्प है, ये जो सर्च है, ये आपको किसमें हेल्प करेगी, इट हेल्प फॉर द आइडेंटिफाई द मींस फॉर means for cure of disease, मतलब उस बीमारी को कैसे ठीक करना है, इसका रास्ता जो है उसी के कॉज में छुपा हुआ होगा। इसीलिए हमें जो है किसी भी डिसीज का कॉज ढूंढना बहुत जरूरी होता है। पहले के जमाने में, एंशियंट टाइम में जो है मैजिको रिलीजियस थ्योरी जो है, कौन सी, एंशियंट टाइम में क्या था, इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में मेडिको रिलीजियस थ्योरी, मेडिको रिलीजियस
थ्योरी, ये जो है बहुत ज्यादा फेमस थी उस टाइम पे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये एक नई थ्योरी से रिप्लेस हो गई जिसको हम बोलते हैं जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी डिसीज के होने के पीछे कोई ना कोई जर्म का हाथ है, जर्म रिस्पॉन्सिबल है, ये जर्म थ्योरी बोलती है। और ये थोड़ा बहुत हम ये अभी भी हम ये मान सकते हैं कि हाँ किसी ना किसी हर डिसीज के पीछे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का रोल होता है। हाँ कि 100% का नहीं होता है, 100% डिसीज में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम डिसीज में देखा गया है। तो जर्म थ्योरी आज भी कुछ हद तक के जो है सही है, ठीक है। तो पुराने जमाने में कहा गया था कि जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हर एक डिसीज के पीछे जो है आपका क्या है, जर्म इन्वॉल्व है, करेक्ट।